राम मंदिर भूमि पूजन में ना जा पाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी क्या अब जेल जाने वाले हैं? दरअसल लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने की तारीख 30 सितंबर तय की है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव इस मामले में फैसला सुनाएंगे। अदालत ने सभी आरोपियों को आदेश की सुनवाई के लिए उस दिन अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस मामले में पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, भाजपा नेता एमएम जोशी, उमा भारती और विनय कटियार सहित 32 आरोपी हैं। तारीख सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है। अब आप सोच रहे होंगे कि राम मंदिर का निर्णय तो पिछले साल नवंबर में आ चुका है, तो ये वाला मामला आखिर क्या है? 6 दिसंबर 1992 को तत्कालीन विवादित राम जन्मभूमि क्षेत्र में 1,50,000 कार सेवकों की एक रैली का आयोजन किया गया था। सदियों से गुलामी का बोझ ढोते आ रहे हिंदू समाज ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद कोर्ट, जिरा और वकालत का एक सिलसिला शुरू हुआ। पिछले साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया वो पूरे देश के सामने है, पर इसके अलावा ढांचे को तोड़ने और उकसाने के संबंध में भी केस दर्ज किया गया था जिसकी जाँच जारी थी। मई 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और अन्य लोगों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। चश्मदीद गवाहों के बयानों में देरी की वजह से भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने में देरी हुई, जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। दरअसल बाबरी ढांचे को ध्वस्त करने वाले समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश को 2 साल के भीतर इसे समाप्त करने का आदेश दिया था। विवादित ढांचे के विध्वंस को एक ऐसा अपराध कहा गया जिसने संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को हिलाकर रख दिया। शीर्ष अदालत ने वीआईपी अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल करने पर सीबीआई की याचिका की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 फरवरी 2001 के फैसले को आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ साजिश के आरोप को गलत करार दिया था। इस साल की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने विशेष न्यायाधीश के लिए एक नई समय सीमा तय की, जिसमें उन्हें सितंबर तक फैसला सुनाने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले से पहले लखनऊ और रायबरेली में विध्वंस से संबंधित मामलों के 2 सेट थे। कार सेवकों से जुड़ा पहला मामला लखनऊ की एक अदालत में चला, जबकि रायबरेली की अदालत में 8 वीआईपी से संबंधित मामलों के 2 सेट पर सुनवाई की जा रही थी। तब मामलों को क्लब कर दिया गया था। अब 30 सितंबर को इस मुद्दे पर कोर्ट अपना निर्णय देगा। पीएम इन वोटिंग आडवाणी का निर्णय तो 30 सितंबर को आएगा, पर आप हमें सब्सक्राइब करने का वेट बिल्कुल ना करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे टीएसपी न्यूज। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthplot.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए टीएसपी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।